वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम अलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो अलोक इंडस्ट्री स्टॉक की बात की जाए तो 21.55 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है अलोक इंडस्ट्री स्टॉक। 45 पैसे की गिरावट हो चुकी है, 2% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिले अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के अंदर। तो देखा जाए तो आज ओपन हुआ था, ऊपर गैप अप से ऊपर ओपन हुआ था, ओपन होते यहाँ पे तेजी से गिरावट देखने को मिली। प्रीवियस क्लोजिंग को ब्रेकआउट देके नीचे गिरावट देखने को मिली थी, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग जो थी 22 लेवल पे थी। कल एक अच्छी मूवमेंट की थी, पिछले 2 दिनों में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी, पर दो दिनों बाद आज यहाँ पे गिरावट देखने को मिली स्टॉक के अंदर। ओपन हुआ था 22.30, जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे हाई बना के गिरावट देखने को मिली और जो आज का लो था उसी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था। मार्केट कैप है 10.73,000 करोड़ का मार्केट कैप है और पिछले 5 दिनों की भी मूवमेंट देखी जाए तो 5.64% की रिकवरी देखने को मिली थी यहाँ पे अलोक इंडस्ट्री स्टॉक में, पर आज के दिन में हल्की सी गिरावट यहाँ पे देखने को मिले फिर भी। तो अलग इंडस्ट्री का यहाँ पे आज के दिन का वॉल्यूम देखा जाए तो 10,40,000 का टोटल वॉल्यूम देखने को मिला है आज के दिन में। वॉल्यूम भी इतना खास नहीं, ट्रेडेड वैल्यू 226 लाख के यहाँ पे देखने को मिले। तो यहाँ पे अलग इंडस्ट्री के बाकी के डिटेल देखे जाए, जैसे कि चार्ट पे नजर डाली जाए तो 20 लेवल पे बहुत दिन सपोर्ट लेके एक अच्छी बाउंस बैक किया था अलग इंडस्ट्री ने। यहाँ पे आप देख सकते, देखा जाए तो यहाँ पे 5% अप था परसों के दिन, फिर कल के दिन भी यहाँ पे 4.51% की रैली की, पर आज यहाँ पे मंथली पीवट के ऊपर ओपन होकर गिरावट देखने को मिली। पर जो मंथली पीवट है यहाँ पे 21.35 लेवल पे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के लिए और एक इंपॉर्टेंट लेवल बनी है। तो इस मंथ में एक इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि 21.35, तो उसको ब्रेक नहीं करता तो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं, उसको ब्रेकआउट देता है तो नीचे गिरावट हो सकती है फिर से 20 लेवल तक। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट अलोक इंडस्ट्री स्टॉक के लिए।